90 के दशक में सुपरस्टार रह चुके बॉबी देओल ने अपने दौर में कई हिट फिल्में दी और एक सफल अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। उस दौर में सभी लोग इनके अभिनय प्रदर्शन को काफी पसंद करते थे। इस दौर के दर्शकों ने लगभग इन्हें रिजेक्ट भी कर दिया था, जिसके चलते इनका करियर खत्म हो गया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और बिना रुके मेहनत करते गए। बस फिर क्या था, इनकी मेहनत रंग लाई और फिर से इन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक मजबूत जगह बनाई। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, इनके बेटे के बारे में जानते हो, कौन है, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं। अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और बॉबी पाजी के लिए वीडियो का लाइक तो कर दो। हिंदी सिनेमा जगत के लोकप्रिय अभिनेता बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1969 को मुंबई में हुआ। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमनाबाई नर्सिंग स्कूल से की और बाद में मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अगर बात करें इनकी फिल्मी करियर की तो इन्होंने साल 1995 में फिल्म बरसात में मुख्य अभिनेता के तौर पर काम किया और इस फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत कर दी। इस फिल्म में इन्होंने अपने किरदार को अच्छे से निभाया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इनके इसी अच्छे प्रदर्शन को देखकर कई निर्माताओं ने अपनी फिल्मों के ऑफर दिए और जिनमें गुप्त, प्यार हो गया, सोल्जर, दिल्लगी जैसी फिल्में शामिल है। उस दौर में इनकी एक्टिंग के सभी दीवाने थे, पर लगता है कि उस दौर के दर्शकों ने इन्हें रिजेक्ट भी कर दिया था। इन्होंने 20वीं दशक की शुरुआत में जितनी भी फिल्में की वे सभी फ्लॉप हो गई, जिसके चलते इनका करियर खत्म होने के कगार पर था। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और मेहनत करते चले गए। 2017 में फिल्म पोस्टर बॉय से अपनी शानदार वापसी की और सफल रहे। इसके बाद इन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिसमें हाउसफुल 4 में ये नजर आए और अपनी अच्छी एक्टिंग का जलवा दिखाया। ये अपने आने वाली फिल्म क्लास ऑफ 83 की शूटिंग में बिजी है, जो 2020 में आएगी। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता के बेटे की तो आपको बता दें, इनके दो बेटे हैं जिनका नाम आर्यमन और धर्म देओल है। 1996 में कॉस्ट्यूम डिजाइनर तान्या देओल से इन्होंने शादी की। शादी के 6 साल बाद 2002 में आर्यमन का जन्म मुंबई में हुआ, इसलिए इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से की और वर्तमान में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और ये पिछले काफी सालों से लाइमलाइट से दूर थे। जब बॉबी ने अपने 50वें जन्मदिन पर इनके साथ फोटो शेयर की तो इन्हें अपने बेटे के रूप में इंट्रोड्यूस किया, तभी से ये लाइमलाइट में छा गए। इसके कुछ दिनों बाद जब बॉबी से पूछा गया कि इनके बेटे बॉलीवुड में कब डेब्यू करेंगे तो इन्होंने जवाब दिया, एक पिता होने के नाते मैं मानता हूँ कि वे पहले से अच्छे एजुकेटेड हो जाएं, क्योंकि इन्हें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, फिर बाद में सोचेंगे। अगर बात करें इनके लुक्स की तो लुक के मामले में काफ़ी स्टाइलिश है, दिखने में अपने पिता की तरह हैंडसम है। अब बात करते हैं इनके छोटे बेटे जिनका नाम धर्म देओल है। 2004 में इनका जन्म हुआ, वर्तमान में 15 साल के हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं, सिर्फ अपने करियर पे फोकस करते हैं। अगर बात करें इनके लुक्स की तो ये भी छोटे हैं, काफ़ी स्टाइलिश है, जैसे कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बॉबी देओल के दोनों बेटों के बारे में जानकर कैसा लगा और क्या ये अपने पिता की तरह सफल हो पाएंगे या नहीं, कमेंट में बता दो। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।